जब तक 4 साल बाद इलेक्शन नहीं आ जाता ना, यही बैठे रहेंगे। कोई तो आएगा ऐसा जो हमारी सुनेगा और कानून रद्द करेगा। एक बार सामने आके ये बोल दो कि हम नहीं लेते कानून, हमारे सारा जितने भी आंदोलनकारी आड़े फांसी पे टूट जाएंगे, अपनी मांग जाए नहीं। मोदी वोट करवा ले, मोदी अपने नाम पे मोदी, ठीक है। हम प्रधानमंत्री पद की इज्जत करते हैं, इंसानियत तो है ही नहीं आप में, हम कैसे आपकी इंसान इज्जत करें। अरे हमारे जैसे भी तो देशभक्त होंगे, 15-20 अगस्त हमने भी चाहिए होंगे कश्मीर में, जब देश का हिस्सा हो गया था, इतना तो हमारा भी होगा। अब एक नौकरी का रेट है 33 लाख रुपए, 30 लाख रुपए में कोई देके नौकरी लगता है, डिजर्विंग की नौकरी गई, जो 30 लाख देके लगता है वो पहले अपने 30 पूरे करता ब्याज समय। काला धन आएगा, अरे काला धन तो देश के देश में कब तो लग रहा है, काला धन भारत कौन लेके जा रहा है, कौन से स्विस बैंक में पैसा ना तो बता दो। नहीं, एक बहन है यूएस में, उसने 10 लाख के गर्म कपड़े भेज दिए, रुपए के उसने गर्म कपड़े भेज दिए, क्योंकि उनके घर के, उनके गाँव के, उनके परिवार के लोग यहाँ पे है, तो इसमें गलत क्या है। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी सागर पवार। ये बताओ, सबसे ज्यादा आज प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, पहले गोदी मीडिया का हो रहा था, आज जी न्यूज का हो रहा है, जी न्यूज के पत्रकारों का आप न्यूज का प्रोटेस्ट, कल शाम को मैंने ट्वीट किया है, मैं खुद आंदोलन में चैलेंज में हूँ, बॉयकॉट जी न्यूज चैलेंज में, मेरा फेसबुक सोशल मीडिया निकाल के देख सकते हो, कल शाम को मैंने बॉयकॉट शुरू कर दिया था, और मेरे सारे साथी, मेरे 3-4 हजार एक आईडी पे है, 2-3 हजार एक आईडी पे इंस्टाग्राम पे है, जिसको ज्वाइन करना ज्वाइन कर रहे हैं, और बॉयकॉट हो रहा है बीजेपी का बहुत बड़ी, इसका मतलब जी न्यूज का। क्यों? रीजन? रीजन बताते हैं, चैनल किसका है? सुभाष चंद्र, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, हिसार से ताल्लुकात रखते हैं, है ही है भी है, ठीक है। तो जैसे सुभाष चंद्र जी हैं, आप उनके ना सोशल मीडिया पे भी या आप लगातार आप 3 दिन 72 घंटे आप न्यूज देखो लगातार कंटिन्यूटी, मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार, जहां जो असली मुद्दा होगा वो मुद्दे की कहीं भी रियल फुटेज नहीं होगी उनके पास, उनके इतनी वाहियात जर्नलिज्म, इतना वाहियात जर्नलिज्म, उनके फ्रेजेस देखना आप, हेडलाइंस जो होती है, टैगलाइंस जो होती है, शर्म आ जाए पढ़ के, शर्म आ जाए भाई साहब। कल का इंसिडेंट बताता हूं, दिल्ली में जो नागरिकता संशोधन बिल हुआ था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, जिसने फायरिंग की थी, उस बंदे ने कल बीजेपी ज्वाइन कर ली, सोशल मीडिया पे किसान भाइयों ने उसका बॉयकॉट किया, कपिल हट गया। हाँ जी, कपिल गुर्जर नाम है उसका। हाँ जी, मैं खुद इंस्टाग्राम पे पोस्ट निकाल के दिखा सकता हूँ, उसके ज्वाइन करते ही विद इन 20 मिनट्स मैंने पोस्ट शेयर कर दी थी। हालांकि 4 घंटे बाद जब ऊपर वाले नेताओं को पता लगा कि ये हो गया है अब, और देश को पता चल चुका है कि आपने एक 307 वाले मुकदमे वाले आदमी को आपने सरेआम, जो एक नेशनल मीडिया नेशनल मुद्दा था, प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पे, गोलीबारी हुई, उस बंदे को आपने बीजेपी ज्वाइन करा ली, 4 घंटे बाद फिर उसको वापिस किया गया, उसकी रद्द की गई सदस्यता। और बीजेपी की जितनी भी सदस्य है ना, कितनी सदस्य बताते रिपोर्टर साहब बीजेपी वाले की, हमारी वर्ल्ड वाइड इतनी सदस्य बताते तो यही है कि दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी बड़ी पार्टी वही बताते हैं, नंबर वन है ना भाई साहब। एक मुहिम शुरू करवा लो, साइन करवा दो, छोड़ो मिस कॉल तो ज्वाइन हो, मैंने बेरा सारी बात का, मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ, आप एक मिस कॉल मार दो, आपका बीजेपी उड़े काउंटर एक नंबर बढ़ जाएगा आपके मिस कॉल से, कि आप बीजेपी के वो हो गए, ठीक है, कार्यकर्ता हो गए। 2014 में हमने वोट दी थी बीजेपी को, हम तो उस टाइम पे हम भी बोलते थे कि एक अच्छा लीडर निकल के आया, क्या पता देश कहाँ जाएगा, जो सपने दिखा रहे हैं, जो हर भाषण सुनता था मैं, अरे अच्छे दिन छोड़ो, हर भाषण भाई ट्वीट निकाल के दिखा दूंगा, फोन भरा पड़ा है, हर बंदे को फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, 2012 से ट्विटर पे हूँ मैं, ठीक है, फेसबुक पे 2011 से हूँ, आगे बात समझ में, 2015 से इंस्टाग्राम पे हूँ, सबको फॉलो करता हूँ मैं, सबकी गतिविधियां देखता हूँ मैं, अपने अंदर था सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था सब कुछ, और एकदम जब हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ और इतना बड़ा एक विशाल आंदोलन एक इसने रूप लिया, तो मैं ही नहीं, ये भाई पीछे खड़े देख सारो, ये नौकरी की तलाश में घूमते हुए युवा है, वो 2 करोड़ युवा में से हैं जो हर साल जिनसे नौकरी का वादा किया गया था, इन्होंने वोट नहीं डाली, ये उस टाइम युवा थे, लेकिन आज ये युवा, ये उस टाइम बच्चे थे, आज ये युवा, इनको नौकरी की जरूरत है, क्या इनमें काबिलियत नहीं है? इनकी टी शर्ट उठवा के देख लो, दंड मरवा लो, दो से दंड मार देंगे, मेरे कपड़े उतरवा लो, मैं उतारू मेरे जितना वजन मरवा लो, है ये तो चलो छोड़ो बात, पढ़ाई वढ़ाई और भी बहुत काबिल लोग हैं, उनको ही नहीं मौके मिल रहे, क्योंकि पता है क्या सिस्टम है, अब एक नौकरी का रेट है 33 लाख रुपए, 30 लाख रुपए में कोई
देके नौकरी लगता है, डिजर्विंग की नौकरी गई, जो 30 लाख देके लगता वो पहले अपने 30 पूरे करता ब्याज समेत। सिस्टम अपने आप करप्ट हो गया ब्रदर, दैट्स व्हाट एक्चुअली इट इज हैपनिंग। मोदी जी गए थे कश्मीर 4-5 दिन पहले, ठीक है जाना चाहिए, देश का हिस्सा है कश्मीर, वहां के हालात जानने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं कि मैं भाइयों बहनों से मिलने जा रहा हूं। वहां के हालात नॉर्मल करवाओ पहले, वहां पे लोग तंग है, कर्फ्यू लगा हुआ है, जब देश के ही लोग हो गए, वो कश्मीर हमारा हिस्सा है तो उन लोगों को उनकी सुननी चाहिए। वो ये थोड़ी है कि घर से निकलते ही पत्थर मार रहे, ऐसा कौन बावड़ा होता भाई है। वो उनके नेट चालू नहीं, इंटरनेट सर्विसेज चालू नहीं, ठीक है सिस्टम चालू हो गया, लैंड वहां जमीन खरीदने लग गए कॉरपोरेट से है, उन वहां घर में बैठे वो लोग जिनको जमीन की असली जरूरत है, जो वहां के लोग हैं। अरे हमारे जैसे भी तो देशभक्त होंगे, 15-20 अगस्त हमने भी चाहिए होंगे कश्मीर में, जब देश का हिस्सा हो गया था इतना तो हमारा भी होगा। पर वे जिनका अरबपति है खरबपति है, उन वे क्यों लेंगे भाई। और दूसरी बात आ जाए, मोदी जी कहे हैं अग भाई हम MSP भी दे, सब कुछ पिछले 9 साल का MSP दे दो किसाना था, कर्जा भी माफ उसमें हमारा भाई साहब 35 लाख करोड़ किसान है भारत के किसान को देना है सरकार को पिछले 9 साल का बकाया, अगर उचित 50% वाले फॉर्मूला से लगाए, लेकिन ये लगाते नहीं, बोलते हैं सिर्फ, बोलते हैं हम 50% वाले से देते हैं, लेकिन एक्चुअल में लगता है न्यूनतम वाला, वो जो दूसरा क्या नाम उसका जो बिहार में लागू था, वो क्या कानून था उसके तहत देते हैं, वो भी अगर 1800 है ना तो किसान ये बैठे था इनसे पूछ लो 1400 रुपए मिलता है, 1800 जो डिसाइड होता है ना मंडी में वो 14। और जो बोल रहे बाहर नहीं मिल, बाहर जो हमने मंडीकरण कर दिया भाई साहब, कल का ट्वीट निकाल के दिखाता हूं मैं, एमपी में एक किसान ने नहीं बहुत सारे किसानों ने 5 करोड़ रुपए की फसल मंडी के बाहर बेची, जैसा कि मोदी जी ने कानून बनाया उसके तहत बेची, उन्होंने चेक दे दिया कॉरपोरेट्स ने, वो चेक बाउंस पड़े हैं, SDM को चिट्ठी, SDM के आगे वो 5 करोड़ कौन देगा, अब सरकार से मांग नहीं सकते, SDM बोलेगा भाई मैं क्या करूं, मेरे दौर इतनी पावर है कौन है, करेगा कौन भाई मारा, मोदी वोट करवा ले, मोदी अपने नाम पे मोदी, ठीक है हम प्रधानमंत्री पद की इज्जत करते हैं, इंसानियत तो है नहीं आप में, हम कैसे आपकी इंसान इज्जत करें, हम तो अपने प्रधानमंत्री पद की, अपने देश की, हम अपने क्या नाम है लाल किला, जो बंदा वहां पे खड़ा हो गया ना तिरंगा ले रहता है, कोई भी हो चाहे जिसे देश सुनता है हम उसकी इज्जत करते हैं, ठीक है। अब मोदी जी यार एक बात बताओ, वोट पड़ जाती है मोदी जी के नाम पे, किसानों के बारे में वहां मीटिंग कर ली, दो हजार रुपए डाल दिए हर महीने भाई साहब, एक बात बताओ, 6 साल से मोदी सरकार है, 6 साल से मोदी सरकार है, 72 महीने से मोदी सरकार है, 2000 रुपए कितने हो गए, हमारे देश का कर्जा ना उतर जाता, वर्ल्ड बैंक का ढंग से दे देते तो, हमने मत दो, हमें नहीं चाहिए, हमारा देश क्यों कर्जदार है, इतना पैसा इतना सब कुछ है, तो मैं लोन लेने जाऊं अपने खेत पे, 1 किले की कीमत 30 लाख रुपए है, सरकारी रेट 30 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए उस पर लोन मिल रहा है, और बिजनेसमैन लोन लेने जाओ भाई साहब, कॉरपोरेट लोन लेने जाता है ना 30 लाख की जमीन पे ना, उसको 2 करोड़ रुपए का लोन मिलता है और वो फिर भाग जाते हैं है? अनिल अंबानी जी आते हैं, अनिल अंबानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, मैं बैंकरप्ट हो गया, पैसे कौन देगा भाई उनके, नहीं बैंकों के पैसे कौन देगा, काला धन आएगा, काला धन तो देश के देश में कब तो लग रहा धन, काला धन बाहर बाहर कौन लेके जाओ है, कौन से स्विस बैंक में पैसा मार दे बता दो, ये हजम कर रहे हैं, बाहर प्रॉपर्टी खरीदा है, ऐसी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, बस लोग का ही नहीं सोचते, अपनी जेब भर रहे हैं, हम अपने पेट की चिंता लेकर रोड पे बैठे 1.5 महीना हो लिया, रोज मरण लाग रहे लोग, शर्म आनी चाहिए भाई साहब, शर्म आनी चाहिए, साफ स्पष्ट भाषा में इसी बात है, एक बार सामने आके ये बोल दो कि हम नहीं लेते कानून, हमारे सारा जितने भी आंदोलनकारी आड़े फांसी पे टूट जाएंगे, अपनी मांग जाए नहीं भाई, हम क्यों आने दे अपने देश में ऐसा, SYL इतना पुराना, मैं उसने एक्सप्लेन करूंगा ना, व्यूवर्स को बताऊंगा, SYL का जुमला बताऊंगा, अब बोल रहे हैं SYL का पानी चाहिए, अरे जमीन तो मारे रहे नारी है, आज से 30 साल पहला अगर पानी लाते इतना बिजनेस नहीं आया था, इसलिए बोला है वो भी इसलिए बोला है क्योंकि पंजाब हरियाणा एक साथ आंदोलन कर रहा है, अरे सारा बेरा है ये जो इवेंट मैनेजमेंट है ना, ये जो इवेंट मैनेजमेंट है ना, ये सारा ड्रामा है, एक बात बताओ अक्षय कुमार सेलिब्रिटी है, ले भाई मारे किसान मारी के अंत मैं जाऊंगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरे देश का नेशनल मीडिया, और मैं इंटरव्यू लूंगा और मैं बातचीत करूंगा, दो मौका दो, आर यू रेडी, आई एम रेडी टू कन्फ्रंट प्राइम मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑल द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी, मौका दो प्रधानमंत्री जी, आपका आदर करते हैं, लेकिन शायद हमें ये लग रहा है कि आपके भी दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन है, और इस टाइम पे 2020 में जैसे देश के हालात है, जैसी अर्थव्यवस्था है, ये कानून अभी लागू नहीं हो सकते, और कोई फायदा नहीं है इनका, नहीं तो ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, जब तक 4 साल बाद
जब तक 4 साल बाद इलेक्शन नहीं आ जाता ना, यही बैठे रहेंगे। कोई तो आएगा ऐसा जो हमारी सुनेगा और कानून रद्द करेगा। भाई बेशक बिक जा, खूड दऊ भी बिकने हैं, खूड दऊ भी बिकने हैं। हाँ, और इबे दूसरी बात है, आगे की सुन लो, ये भाई इनकी कम है जो हमारे सिख कम्युनिटी के भाई आए हुए हैं पंजाब से कि ये वो करते हैं। इनमें जो है खालिस्तानी 2 ही 4 शरारती तत्व है, उनको करने दो, हम इग्नोर कर रहे हैं, ये खुद इग्नोर कर रहे हैं। आप जो असली किसान बैठे हैं पंजाब से आए हुए, उनको देखो, वो बोलते हैं बाहर वाले लोग जो निंदा कर रहे हैं, जो भक्त हैं, वो बोलते हैं कि ये तो खालिस्तानी समर्थक हैं। अरे भाई, वो अपने धर्म के समर्पित, अपने धर्म को समर्पित हैं। आप उनके जैसा अपना धर्म करके दिखाओ ना। वो इतनी चैरिटी करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, उनके बेटे जिनको यहाँ पे जिनकी वैल्यू नहीं मिलती, जो विदेश में जाके काम करते हैं, फिर भी अपने पंजाब से, अपनी मातृभूमि, अपने देश से जुड़े हुए हैं। वो NRI है, वो अपने देश की सोचते हैं। एक बहन है US में, उसने 10 लाख के गर्म कपड़े भेज दिए, उसके 10 लाख रुपए के उसने गर्म कपड़े भेज दिए, क्योंकि उनके घर के, उनके गांव के, उनके परिवार के लोग यहाँ पे है। तो इसमें गलत क्या है आप ये बता दो। कोरोना आया, इतना फंड आया, इतना, अरे चैरिटी हम नहीं पूछ सकते, लेकिन अपने ईमानदार से पूछ लो, हमने क्या करा है? क्यों कर कितने 100 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं? वह जो ट्रंप को वो असलियत ना दिखाने के लिए वो जो दीवार खड़ी करी गई थी, उस दीवार से उस टाइम पे अगर गरीबों के लिए आवास बन जाते, मकान बन जाते, तो उन्हें बिहार माइग्रेशन ना करना पड़ता कोरोना काल में, वो मरते नहीं, ठीक है। और दूसरी बात भाई, मेरा यही वो है धर्म धुर्म की, यार ये जो है ना, ये राजनीति थमने मेरा खत्म हो ली। ले देखी, मैं नारा दूंगा, एक नारा दूंगा, देख एक आदमी नारा लगाओगा, और कदे बह मुद देख लियो, देखो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, किसान एकता जिंदाबाद, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय, किसान एकता जिंदाबाद। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। Oh!